Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hope so you all are good और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ. और आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं ले उसे सोकर उठकर स्टार्ट की कि मैं जब उठी हूँ मेरे हस्बैंड आज आ गए हैं, तो मुझे कह रहे थे कि इस दफ़ा जो है ना हमने सहरी, वरना हम दो चार सहरियाँ हर अशरे में एक दो सहरियाँ और एक दो अफ्तारियाँ जो है ना मस्ट बाय करते हैं, तो इस दफ़ा उनका आना जाना भी कुछ कम हुआ और बस बहुत सी वजूहत की वजह से ना वो प्लान ही नहीं कर पाए. क्योंकि जाहिर बात है जब आप आउट ऑफ सिटी रहते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं तो वो प्लानिंग नहीं होती, और पहले ऐसा नहीं था तो इसलिए सडन प्लान बन जाते थे. तो प्लान तो वैसे आज भी सडन बना है. मैं अफ्तारी के पास सो गई थी तो मेरी आँख लग गई थी, तो अब मैं उठी हूँ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अब उठ गई हो तो मेरे जहन में एक प्लान आ गया, जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर चलते हैं सैरी के लिए. मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, शायद बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में, हेल्दी ईटिंग में ना मैंने कुछ खाया ना पिया. सैरियाँ अफ्तारियाँ बड़ी सिंपल से की हैं तो वो स्टमिक को शायद भूख कम लगने की आदत हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है. मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसे करने का. और आपको पता है कि मेरा 3 to 4 kg अब तक ड्रॉप हो गया इस मंथ में बड़े हेल्दी वे में, और इंचज़ तो बहुत ज़्यादा गए हैं, तो ये रमज़ान का रिज़ल्ट आ गया. तो अच्छा जी, और मैंने जो कपड़े स्टिच करवाए थे अपने साइज़ के वो मज़ीद कम करवाए थे, क्योंकि जब मैंने सिलने दिए थे तब 15 रोज़े गुजर चुके थे, लेकिन हम वो दोबारा पहने तो और कम हो गए हैं, थैंक गॉड. लेकिन हम ईद आएगी तो फिर तबाही भी हम मचा देते हैं. खैर अब ख्याल रखेंगे. और अब मैं बैठी हुई थी तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर हम निकलें सहरी करने के लिए. उसके पहले हमने जाना लिबर्टी मार्केट, थोड़ी सी मेरी चीज़ें रहती थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो लेते हैं, तो अभी टाइम है लिबर्टी मार्केट चलते हैं, वहाँ से फ्री होकर फिर हम सहरी के लिए चले जाएंगे और फिर सहरी करके आ जाएंगे. उसकी वजह यह है कि मैं आज करूँगी और मेरे हस्बैंड चूँकि चांद रात के टाइम करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ी बहुत शॉपिंग उनकी रह जाती है, थोड़ी बहुत नहीं ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग ही वो करते हैं. उसकी वजह यह है कि हाँ उसकी वजह यह है कि शलवार कमीज़ होती है जो उन्होंने स्टिच करानी होती है पहले, तो वो भी अक्सर कुर्ता उनका आउटफिटर्स का बड़े या दो चार ब्रांड अच्छे जो उनको मिल जाते थे ना उसका साइज़ अच्छा रहता था वो ले लेते हैं और कभी सिलवा लेते हैं. तो बस इस दफ़ा 2 स्टिच हो गई हैं और बाकी की जो पैंट टी शर्ट और जो जो उनकी होती हैं वो चांद रात को सब दोस्त मिल के जाएंगे, चांद रात फुल सेलिब्रेट करेंगे, उन बाहर खाएँ पियेंगे और सुबह जो है ना फजर की नमाज़ से पहले आ जाते हैं और फिर आके नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं. ये उनकी रूटीन है शुरू से ही दोस्तों के साथ. तो बस अब दोस्तों के साथ ये रूटीन है. तो मेरे साथ मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे साथ मैंने बड़ा बिजी होना है मतलब, तो रात को तो आज की इफ्तारी जो है सहरी तुम मेरे साथ कर लो. तो यह है सहरी का व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और स्टार्ट ले रही हूँ, अभी शेयर तो भी करना है. तो मैं बस तैयार होने जा रही थी तो मैंने सोचा शावर मैंने ले लिया, क्योंकि ना बालों की फ्रेशनेस नहीं होती है तो मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से ये बीमारी. मैं जितनी मर्ज़ी मतलब अगर कल के दिन शावर लिया और जाना आ जाओ तो मैं कहीं जाने से पहले अगर बालों को अच्छे से वॉश ना करूँ तो मुझे मज़ा ही नहीं आता. और गर्मियों में तो आजकल वैसे भी बहुत स्वेटिंग है. और आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की गर्मी की क्या सिचुएशन है, वाकई ये हालात है. मैं तो कसम से बेहोश होने वाली हो जाती हूँ, मेरे तो बीपी लो हो जाता है इतनी गर्मी मुझे फील हो रही है. और ऊपर से लाइट बहुत ज़्यादा हो रही है ना, क्या आप ज़्यादा लाइट की वजह से तंग हो रहे हैं. खैर तो ये इश्यूज़ तो अब साथ साथ ही रहेंगे, इनको तो छोड़ देना, लाइफ तो इसके साथ एडजस्ट करनी है. अब मैं जा रही हूँ तैयार होने. और एक ड्रेस मैंने, क्योंकि मैंने अपनी कल जो ड्रेस वीडियो बनाई थी ना वो आपको मैंने बताया था, मैंने बहुत थे जो नहीं दिखाए थे आपको, तो चांद रात वाला लग से है. लेकिन ये जो है आज मैं पहनती हूँ न्यू ड्रेस, मैंने कहा सहरी करने बाहर जा रहे हैं तो ज़रा अच्छा सा तैयार हो जाए, ब्राइट सा कलर है. तो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, तैयार होकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ और फिर कोशिश करूँगी मैक्सिमम ब्लॉग. लेकिन पता नहीं क्यों बाज़ारों में ना उस दिन भी मैं गई थी, मैंने सोचा था, लेकिन मुझे बाज़ार में ना चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है किसी की प्राइवेसी फेस आने का, तो मैं आजकल वैसे कोशिश कर रही हूँ कि मार्केट में जा रही हूँ ना तो ब्लॉग प्रॉपर शूट नहीं कर रही. और लिबर्टी मार्केट जाना है, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से लेनी है, ज्वेलरी और ये वो इसलिए कि वो मुझे वहाँ पे ज़रा पसंद आ गया. मेरे हस्बैंड जो है वो सिर्फ उसी मार्केट में चले जाते हैं, दूसरी मार्केट में जो है ना ज़रा बाहर खड़े होते हैं वहाँ होता है कि मेरे साथ चले जाते हैं, और मैं अकेले शॉपिंग नहीं करती. तो हम वहाँ जा रहे हैं और फिर उसके बाद सहरी करेंगे, चले मैं तैयार होती हूँ. और ये जी मैं तैयार हो गई हूँ, और तैयार होके मैंने जो है वो बस जल्दी से तैयार हो गई थी क्योंकि ड्रेस जो था वो मैंने प्रेस किया हुआ था. और तैयार हो गई हूँ तो आप लोग मुझे बताएं कि व्लॉग में कि मैं कैसी लग रही हूँ. वैसे मैंने भी जो है वो ऑफिशियल आज शाम को करना था लेकिन बहुत लेट हो गया, और अब मेरा दिल कर रहा है नहीं तो कोई तैयारी नहीं, सिर्फ मैंने की क्योंकि मेरी स्किन का मैंने बताया था आपको इशू. और वैसे मैं फेशियल और प्रोडक्ट्स को बहुत अवॉइड कर रही हूँ आजकल सेंसिटिविटी की वजह से, स्किन की कोई पता नहीं होता भाई मूड का, स्किन की मूड का कि जब मर्जी रिएक्ट आ जाए, जब मर्जी अच्छा रिजल्ट आ जाए. तो मैं ये व्लॉग बनाते हुए इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरी व्लॉग की वॉइस, एक तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा कि शुगर मिला तो शायद मैं सुना देती आपको लेकिन फ़ैन की वजह से डिस्टॉर्शन बहुत था,
तो बस जब मुझे देख के मजाक कर रहे थे, तो मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड जो थे बड़ा चीज़ा ले रहे थे मेरे कि तुम तैयार हो, ये व्लॉग बनेगा, वी होगा वो होगा, तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा हंसी निकल रही थी। खैर जी, सहरी के साथ तो हमारे हो गए 2 हाथ। तसल्ली से लिबर्टी मार्ट की घूमने के बाद, जब चीज़ें शॉपिंग करने के बाद, और वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे बाज़ार में आजकल तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है, और वाकई ऑकवर्ड लगा जब मैं गई तो बहुत रश था। तो हुआ हमारे साथ ये कि हम मैंने नुमान से कहा था कि हम ना वारिस निहारी खाते हैं सहरी में। तो जब हम वहाँ गए और हम 2:45 बजे पहुँचे, और जब वहाँ गए तो जना फुल, वहाँ पे आपको पता है तंग गली है और सब कुछ, गाड़ियों से रास्ता ब्लॉक, और फुल टाइम जब वहाँ जाके पहुँचे तो चला कि जी इस निहारी तो ख़त्म हो चुकी है कब की। और इतनी दुनिया थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना रश था। और आपको पता है कि अनारकली बाज़ार में वैसे भी अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और इतने लोग आएंगे तो कितनी की वो रोड है कि वो पर ब्लॉक हुई थी। मैं कहती हूँ जितनी मेहनत करके लोग अंदर आ रहे थे और वहाँ से जवाब ना मैं सुन के वापस जा रहे थे ना, तो उससे बहुत ट्रैफिक जाम हुआ। फिर हमने, टाइम हो चुका था तो हमने सोचा अब हम बाहर आए हैं तो कुछ और कर लें। फिर अचानक मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा करते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब क्या करें, सहरी आइटम मेरा पाए का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था अचानक। फिर मैंने, हमने कहा कि हम बट कराई पर चलते हैं। और जब वहाँ गए जनाब, उसके ये देखते देखते व्लॉग के से पहले जितना वहाँ रश हो गया, और बहुत रश था, मैं कहती हूँ सारी दुनिया ही बट कराई पे, यहाँ लक्ष्मी आई हुई थी सहरी करने। फिर हमने जो है वो चिकन कढ़ाई ऑर्डर कर ली, साथ में रायता था, लस्सी थी, और इस तरह करके हमने अपनी सहरी को इंजॉय कर लिया। लेकिन जो प्लान किया हुआ था वो चौपट हो गया बुरी तरह। बस ये देख लें, ऊपर से वीकेंड के दिनों और आखिरी लोगों के पास मौका हो सहरी इफ्तारी का, तो फिर आपको पता है इतना तो बनता है। तो खैर मज़ा आ गया था, बाहर जाने मज़ा इसलिए आ जाता है क्योंकि जब आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, तो जब आपको मज़ा आ रहा होता है अपने टाइम का, जब क्वालिटी होना, तो यकीन माने उसको आप हर तरह से इन्जॉय करते हैं। तो खैर रौनक मेला और अपना हंसी मजाक में अच्छा टाइम गुजर गया, लेकिन प्लान सारा जो है ना वो ख़राब हो गया था। पहले तो हमारा मूड थोड़ा हो गया कि यही पता आपने पूरी प्लानिंग की होती है कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे उसके साथ, तो जब वो सारा सीक्वेंस तरतीब ख़राब होती है ना तो मूड तो ख़राब होता है। तो फिर भी हर मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो भी मौका दें ज़िंदगी को एंजॉय करने का, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग है। और हमें अपनों से जो कम हैं लोग, उनकी खुशियों को देखकर हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं अगर हम उन्हें करते हैं और फ़ौरन अगले पल पूरी हो जाती हैं, तो हम वी आर द ब्लेस्ड पीपल, के हमें शुक्र करना चाहिए। वैसे तो अगर ख्वाहिशात पूरी ना भी हों तो अल्लाह ताला से हमेशा राज़ी ही रहना चाहिए, जो उसकी मर्ज़ी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा, और तैयारी भी ईद की मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब जो ये बस मिलना मिलाना है और थोड़ा बहुत कहीं जाना है, वो इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन सहरी जो हमने बाहर करनी थी वो कर ली, और इस सहरी पे मेरा नुमान ने मुझे कहा था कि हम सहरी पे बाहर करेंगे इफ्तारी, लेकिन आज मैंने उनको कह दिया है क्योंकि व्लॉग जो आपको इफ्तारी के बाद मिल रहा है, तो मैंने उनसे साफ कह दिया, मैंने कहा नो, जैसी सहरी में जाके प्लान हुआ अब मूड नहीं है मेरा इफ्तारी का बिल्कुल भी ना, वीकेंड हो रहा है, आप शॉपिंग और तैयारियों की तरफ आएँ और चांद रात को एंजॉय करें, खाना पीना सारा साल करेंगे। तो मैंने तो भी साफ इनकार कर दिया क्योंकि जिस चीज़ के लिए इकरार किया था वो आजकल बहुत रश है और हर चीज़ पे बस ना ही हो रहा है। तो इफ्तारी का मेरा इतना मूड नहीं था, मैंने कहा नहीं हमने जाना है 2-4 जगहों पे ईद देने भी, और आपको पता है फिर मज़ा आता है। आप लोग बताएं आपके लोगों की कैसी ईद जा रही है, तैयारी जा रही है, और मिलूंगी तब तक आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।